एक निर्धन व्यक्ति को देख कर करके, एक बार कोई संत उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने जब वो निकलते थे उधर से हर बार, तो उन्हें ऐसा लगा कि ओहो ये बड़ा निर्धन आदमी है, तो इसके पास में दो समय का भोजन करने के लिए भी नहीं है, परिवार भी नहीं पाल सकता ठीक से, तो मैं इससे कुछ उपकार करूं। तो उन्होंने उससे क्या किया, उसे बुला करके कहा कि ये पारसमणि है, और ये पारसमणि से क्या होता, पारसमणि से पता है, लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाता है, ये पारसमणि है, और एक साल तक, केवल एक वर्ष तक, 365 दिन, एक सेकंड फालतू नहीं, कम थी, ज्यादा नहीं बिल्कुल भी, हो सकता कि थोड़ा सा पहले भी ले लिया जाए, वो अगर कोई इसका मिसयूज करेगा तो पहले भी लिया जा सकता है। तो ये पारसमणि है, इसको ले जाओ अपने घर, और जिस तुम्हारे पास में जो लोहा है, उस लोहे को तुम छू लो, सबको सोना बना लो, सोना बना लोगे, तुम्हारा जीवन किसी तरीके से ये निर्धनता में नहीं बीतेगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, उस दिन उसको भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। अब जैसे उसने कि छोटे से कील को छुआ तो वो सोना बन गया, तो उसने कहा वास्तव में तो ठीक है। अब उसने किया कि यहाँ कि अपने घर का जो लोहा था, जो अपने घर का सामान था, वो सामान को सब बेच बाज के दे बेच दिया कि इसमें लोहा ले लूँगा, क्योंकि उससे कहा था कि लोहा ही बनेगा और नहीं बनेगा। तो जो भी उसके घर के सामान वगैरह थे उसने सब का सब बेच दिया, और उसको बेच करके उसने लोहा लेना चाहिए था, लेकिन प्रमादवश ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन उसने क्या किया, वो गलत असर में पड़ गया, वो शराब पीने लग गया, नशा करने लग गया, उल्टा सीधा गलत मनोरंजन वो करने लग गया है, आलस्य आ गया उसको। उसने कहा एक साल भर पड़ा हुआ कोई बात नहीं ले लूंगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी उसके पास पैसा सामान बेच के आया था वो सबका सब उसका समाप्त हो गया, पैसा दुर्व्यसन में बिताया उसने, मतलब जो बैड कंपनी में ले लिया था। इस प्रकार से क्या था कि जहां उसको लोहा जोड़ना चाहिए था तो वो लोहा नहीं जोड़ सका, कि आज लूंगा कल लूंगा, आज लूंगा कल लूंगा। कभी बाजार में लोहा महंगा हो जाता है, कहने का आज महंगा हो गया कल को ले लूंगा, इस तरह से उसकी निर्धनता और ज्यादा बढ़ गई। जो उसके पास में अपने पास में कुछ घर में थे उपकरण वगैरह वो भी नहीं रहे, मतलब पहले स्थिति उसकी और भी बुरी हो गई। अंत में जब साल भर आया तो साल भर जैसे ही हुआ तो संत आ गए, लाओ भाई मेरी पारसमणि। अब वो गिड़गड़ा रहा कि थोड़ा सा और दे दो, उन्होंने कहा कि नहीं, साल भर कम नहीं होता है, एक घंटा ही कम नहीं होता है इसके लिए, तो ये तो साल भर दे दिया है, 365 दिन हो गए, अब मैं ले जा रहा हूँ उसको। और उससे जबरदस्ती से उन्होंने पकड़ करके उसको चलते बने, और वो जितना निर्धन था उससे ज्यादा निर्धन और बन गया। कहने का मतलब है ये जो शरीर दिया है ना आपको, मनुष्य का जो शरीर दिया है, और ये बच्चे ही हैं, बच्चे ही हो, तो ये जो है बड़ा बहुत मूल्यवान है ये जो जीवन है, क्योंकि और योनि में, पशु की योनि में, पक्षी की योनि में, या किसी भी और योनि में किसी प्रकार से व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता है, केवल यही योनि है, मनुष्य की योनि है, यही है कि जो कि उसके पास में एक पारसमणि है, और वो पारसमणि से वो क्या कर सकता है, सोना बना सकता है, अर्थात अपने जीवन को उजागर कर सकता है, भौतिक रूप से भी, अर्थात जो संसार की जो भौतिकता है जिससे सुख प्राप्त होता है, इसको भी वो बड़े उससे पा सकता है, एक आनंदमय जीवन बिता सकता है, और साथ साथ में जो वास्तविकता है, जो वास्तविक है वो है भगवान की प्राप्ति करना। ये तो आपको बचपन से ही याद रखना पड़ेगा, अब लोग भटकाएंगे भी आपको, कहाँ भगवान है, कोई नहीं है, कुछ धर्म वाले बताएंगे कि हमारा बड़ा है, बताएंगे हमारा बड़ा है, अर्थात हमारा भगवान बड़ा है, तो हमारे पास में आ जाओ, इस प्रकार से अनेक प्रकार से वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में रहेंगे, लेकिन वो भगवान आपके भीतर है,
हृदय के भीतर है, जिसके कारण आप बोल सक रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो, सो पा रहे हो। इसलिए थोड़ी सी प्रार्थना हो अपने जीवन में मिलाओ, प्रातःकाल समय से उठ करके प्रातःकाल प्रार्थना को मिलाओ। मातृदेवो भव हो, माँ को माता के, माता को अपने ईश्वर के समान मानो। पितृदेवो भव हो, और पिताजी को पितृ पहले आरंभ में यही देखना है, यही आपको समझाएंगे कि आपको क्या मार्ग पकड़ना है। आचार्य देवो भव, जो आपके शिक्षक हैं, वो आपको जो सच्ची शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो भी आपके देवता हैं, भगवान के रूप में हैं, क्योंकि भगवान के रूप में वो आपकी सहायता कर रहे हैं। और जैसे जैसे बड़े हो जाओगे, उसके बाद में आपको स्वयं ज्ञात होने लगेगा कि मेरा जो मुझे जो पारसमणी दे रखी है ये जीवन के रूप में, शरीर के रूप में, मैं इसका सदुपयोग कर लूँ। लेकिन क्या होता है कि जो बचपने से ही बिगड़ने लग जाते हैं, कुसंगति में पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं कि इस वो पारसमणी का सदुपयोग तो नहीं किया, जीवन का सदुपयोग नहीं किया, और भी जो उपकर जो भी है अपने पास में, जैसे बुद्धि आपके उपकरण है, घर में सामान बोला था ना, उसके बेच दिया उसने, बुद्धि को जो है गलत जगह लगा दिया, आंखों को, कान को, नाक को, हाथ को गलत जगह लगा दिया, मन को गलत जगह लगा लिया, हाथ पैरों को गलत जगह घुमा दिया। आरंभ में तो आपस में ही बच्चे एक दूसरे को कुसंग में डालने का प्रयत्न करते हैं, अगर कोई अगर थोड़ा पीता पाता है तो जबरदस्ती करेगा, और उस समय में हमारे पास में एक क्यूरियोसिटी रहती है, देखते हैं क्या होता है। इसे कहते हैं कि वो जो भी था अपने पास में वो भी बेच दिया। जब बेच दिया, अंत में क्या हो गया, जब मृत्यु आती है, मृत्यु के समय में या उससे पहले, फिर एक पछतावा होता है कि मैंने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, मैं भी औरों की तरह से केवल खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जानवरों जैसा व्यवहार है, पशुवत व्यवहार है, ये व्यवहार में नहीं रहना है, इससे ऊपर उठना है। पारसमणि का प्रयोग कर लो, पारसमणि को ये अपने मन को छुआ, उसको मन को उन्नत करो, अर्थात बुद्धि से छुआ दो उसको, बुद्धि को उन्नत करो, इंद्रियों को छुआ दो, इंद्रियों को उन्नत करो, अच्छा देखो। अगर ऐसा है तो आपने उस पारसमणि का सदुपयोग कर लिया है, नहीं किया तो फिर दुरुपयोग हो पाएगा।